हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा मोस्ट रिक्वेस्टेड एंड आई नो द मोस्ट कंफ्यूजिंग चीज़, जो कि है कि मेबलिन फिट मी में हम कौन से शेड को ट्राई करें। इफ़ यू आर डस्की स्किन टोन जैसे कि मैं हूँ, मेरा ब्राउन डस्की वीटिश आप कुछ भी कह लो, बट मीडियम स्किन टोन नहीं है मेरा, मैं मतलब ज़्यादा ब्राउन साइड में हूँ, तो मुझे भी ये प्रॉब्लम आई थी। अल्टीमेटली आई हैव ऑल द थ्री शेड्स, जिन तीनों में हम गर्ल्स को डाउट होता है, डस्की गर्ल्स को डाउट होता है कि कौन सा वाला हमसे एक्चुअली में मैच करेगा। तो ये जो तीन शेड है, ये मैं पहले दो का रिव्यू कर चुकी हूँ ऑलरेडी अपने चैनल पे। एक था जो सबसे पहले मैंने ऑर्डर किया था और उसका रिव्यू किया था, उसके बाद मैंने एक अपडेटेड रिव्यू किया था जिसमें मैंने उन दो शेड्स में से दिखाया था कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद एक और लॉन्च हुआ जो कि था 332 कैरमल वाला, गोल्डन कैरमल वाला शेड, और ये मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स जो भी मेरे स्किन टोन के हैं उन्होंने सजेस्ट किया, रिकमेंड किया कि अगर आप डस्की हैं, ब्राउन साइड में हैं, तो आपको ये वाला शेड ट्राई करना चाहिए। तो आज मैं आपको तीनों का स्वॉच करके दिखाऊंगी और आप खुद देखिएगा कि इन तीनों में से कौन सा मेरे साथ मेरे स्किन पे ज्यादा अच्छे से जाएगा। एंड इन दोनों के कंपैरिजन में जो ये लास्ट वाला इन्होंने बनाया है वो पंप वाले शेप में है, मतलब पंप है, सॉरी मैंने इसको ट्विस्ट कर दिया, भूल जाती हूँ, तो पंप के फॉर्म में है, तो ये भी काफी कन्वीनियंट है, काफी हाइजीनिक है, बहुत ज्यादा आप स्पिल आउट नहीं करेंगे। और इसमें क्या था, जो पहले दो शेड्स थे जो मैंने यूज किए हैं, ये इस तरह से एक नोजल कैप जैसा होता है, राउंड कैप उस तरह से आते थे, एंड देन ऐसे आपको यहाँ से निकालना होता था। एंड ये थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट इसमें होता है, बहुत ज़्यादा गंदा भी होता है, एंड अक्सर बहुत सारा फाउंडेशन जो होता है ये आउटर पे और कैप के अंदर रह जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है। तो ये लास्ट में जो ये फाउंडेशन उन्होंने लॉन्च किया है, आई थिंक इसमें इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखा है, तो आई अप्रिशिएट इट। तो मैं फटाक से इन तीनों का स्वॉच करके दिखा देती हूँ अपने फेस के एक साइड पे, ताकि आप देख पाएं कि कौन सा वाला परफेक्टली मुझे मैच करेगा। मुझे भी नहीं पता है, मैंने एक भी बार अभी उनको स्वॉच करके नहीं देखा है, तीनों को एक साथ नहीं देखा है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ सबसे लाइट शेड से, जो मेरे लिए था 322 वार्म हनी, और इसको मैं अपने फेस के एक साइड पर स्वॉच करके आपको दिखाती हूँ। आई थिंक थोड़ा सा नहीं है, मुझे लगा ड्राई हो चुका है, तो स्वॉच इट ओवर हियर। तो ये है 322 वार्म हनी वाला शेड, एंड काफ़ी लाइट है एज़ यू कैन सी, बट फिर मैं वही कहूँगी कि थोड़ा सा ये एक शेड जो है डार्क हो जाता है जब ऑक्सीडाइज होता है तो, बट देन टू अगर आप एक परफेक्ट मैच ढूंढ रहे हैं तो ये डेफिनेटली नहीं है। अगर आप कॉन्टोरिंग वगैरह करते हैं तो आप इसको बना सकते हैं अपने स्किन के अकॉर्डिंग, बट आई डोंट थिंक ये परफेक्ट मैच है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ 330 टॉफी कैरमल, इसको भी मैं आपको स्वॉच करके दिखाती हूँ अपने सेम साइड पे फेस के, और देखते हैं कि ये कैसा है। ओके, सो ये कुछ इस तरह से है, नॉट बैड, ये मुझे काफ़ी हद तक मैच कर रहा है, आपको दिख रहा होगा ऑन कैमरा, मतलब ये मेरे फेस के काफ़ी करीब है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसको थोड़ा सा अगर ऑक्सीडाइज होता है तो ये बैड ऑप्शन नहीं होगा। अगर आप मेरे स्किन टोन के हैं तो आप 330 वाले को ट्राई कर सकते हैं। एज यू कैन सी ये काफ़ी हद तक मुझसे मैच कर जा रहा है, एंड हाइलाइटिंग वगैरह करने के बाद अगर ये ऑक्सीडाइज भी होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। एंड नाउ आई विल ट्राई द न्यू वन, विच इज़ ऑब्वियसली मेरे लिए भी नया होगा बिकॉज मैंने ट्राई नहीं किया है। बहुत कन्वीनियंट है, सबसे पहले तो ईजी है पंप से निकाल लेना। ओके, तो ये है गोल्डन कैरमल, एंड ये थोड़ा सा मुझे येलो लग रहा है टोन में, ये थोड़ा ऑरेंज हिंट के साथ है, एंड वॉर्म वाला जो है, वॉर्म हनी वाला 322, ये पिंक अंडरटोन में है। तो क्योंकि डस्की मेरा कॉम्प्लेक्शन है, प्लस मेरा स्किन टोन भी जो है वॉर्म है एंड येलोइश काइंड ऑफ है, तो मुझे लगता है कि ये वाला भी काफ़ी अच्छे से मैच हो जाएगा। ऑल्दो अगर मैं परफेक्ट मैच देखूं तो 330 वाला जो है ये काफ़ी अच्छे से मुझे मैच कर रहा है। ट्राई करती हूँ पूरे फेस पे ये वाला शेड, यानी 332 वाला गोल्डन कैरमल वाला, बिकॉज ये दोनों मुझे काफ़ी करीब से देखने में, तीनों में मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो मैं ऑरेंज और पिंक वाले को रिजेक्ट कर रही हूँ, एंड आई विल ट्राई दिस वन बिकॉज ये मैंने पहले भी ट्राई कर रखा है, तो नो नीड टू वेस्ट द टाइम, एंड लेट्स जस्ट ट्राई दिस वन, और इससे हम पूरे फेस का मेकअप करके देखते हैं। दो पंप ले रही हूँ मैं यहाँ पे, एंड आई विल जस्ट डॉट इट आउट ऑन माई फेस। पहले मैं एक साइड पर करती हूँ ताकि बेटर ऑब्जर्वेशन हो सके।
सो आई अप्लाई डेट और मुझे ना मिरर में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया है. बहुत इवन सी स्किन टोन हो गई है, जो डार्कनेस वगैरह थोड़ी बहुत है मेरे फेस पे वो छुप गई है इसको लगाने के बाद से. बहुत ज़्यादा डार्क जो एरियाज़ हैं मेरे फेस के, जैसे थोड़ा अंडर आइज़ पे है, ऊपर आँखों के और लिप्स के चारों तरफ. ऑल दो पूरी तरह से तो हाइड नहीं किया है, मुझे डार्कनेस दिख भी रही है, बट आई थिंक नेचुरल से फिनिश दे रहा है और इतना ज़्यादा भी नहीं है. बट हाँ, अगर आपको कवरेज चाहिए तो आई थिंक एक और लेयर अप्लाई करनी पड़ेगी एंड यू हैव टू यूज़ कंसीलर्स एंड ऑल, तब जाके इससे आपको एक परफेक्ट कवरेज मिलेगा. नाउ ऑन दिस साइड आई एम गोइंग टू अप्लाई 330 टॉफी कैरमल एंड लेट्स जस्ट सी कि वो कितना अच्छे से मैच करता है. तो आई एम गोइंग टू टेक 330 टॉफी कैरमल और इसको शेक करते हैं थोड़ा सा एंड देन विल ट्राई ऑन द अदर साइड. तो एज यू कैन सी द डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला साइड जो है काफ़ी ज़्यादा ब्राइटर लग रहा है. ब्राइटर इन द सेंस कि थोड़ा सा वाइट लग रहा है. मैंने पहले भी कहा मुझे टॉफी वाला काफ़ी अच्छे से मैच कर जाता है, थोड़ा डार्क भी होगा तो चलेगा बट ये थोड़ा सा मुझे वाइट लग रहा है. सो आई एम गोइंग टू ट्राई द टॉफी वाला शेड एंड लेट्स सी 330 वाला कैसा वर्क करता है. सो आई एम गोइंग टू टेक लिटल बिट विद माई फिंगर एंड आई एम गोइंग टू जस्ट डॉट इट आउट एंड फिर मैं ब्रश से इसे ब्लेंड कर लूँगी. ओके, दिस मच इज अनफ. I think more than enough. आई थिंक नाउ इट विल बी मोर क्लियर टू यू ऑल्सो एंड टू मी ऑल्सो, बिकॉज अभी मेरे को कुछ फ़र्क समझ में आ रहा है. ऐसे एक शेड अप्लाई करने पर आई वॉज एक्चुअली वेरी कन्फ्यूज और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि दोनों में से परफेक्ट कौन सा होगा अगर मैं चूज़ करूँ तो. तो आई थिंक दिस इज़ द राइट ऑप्शन कि दोनों को एक साथ मैं ट्राई कर लूँ. सो या आई हैव अप्लाइड बोथ द शेड्स एंड वॉट यू फील, ये है 332 गोल्डन कैरमल एंड दिस इज़ 330 टॉफी कैरमल. आई थिंक फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू और जो मुझे दिखाई दे रहा है, 330 टॉफी कैरमल इज़ एक्चुअली मैचिंग मी और नेचुरल सा लग रहा है. वाइल ये वाला जो साइड है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा वाइट लग रहा है. ऑब्वियसली थोड़ा सा उसका शेड जो है वो येलोइश है, बट देन टू आई थिंक नेचुरल अगर फिनिश मुझे चाहिए तो आई थिंक टॉफी वाला साइड थोड़ा सा बेटर है इस वाले के कंपैरिजन में. एंड थोड़ा सा अभी डार्क भी होगा ये बिकॉज ऑक्सीडाइज होता है, तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. मैं अंडर आइज़ पे कंसीलर लगा सकती हूँ और थोड़ा सा हाईलाइटिंग कर सकती हूँ तो उससे मुझे काफ़ी नेचुरल लगेगा. बट दिस वाला साइड जो है ये थोड़ा सा वाइट पहले से ही मुझे लग रहा है एंड अगर मैं थोड़ा सा हाईलाइटिंग वगैरह कर लेती हूँ तो ये और ज़्यादा मुझे थोड़ा सा वाइट बना सकता है. तो आई थिंक पार्टी वगैरह के लिए ये आप कैरी कर सकते हैं नो डाउट, बट फिर भी मैं ये कहूँगी कि अगर आप नेचुरल फिनिश देखना चाहते हैं तो यू शुड गो फॉर दिस टॉफी कैरमल बिकॉज ये काफ़ी नेचुरल सी फिनिश दे रहा है. बट मैं दोनों को देख रही हूँ सामने ना तो मुझे ऐसा लग रहा है मैंने इस साइड पे कुछ अप्लाई नहीं किया है एंड आई हैव अप्लाइड ओनली ऑन दिस साइड बिकॉज ये जो है काफ़ी ज़्यादा डल लग रहा है एज़ कम्पेयर टू ये वाला बिकॉज ये थोड़ा वाइट बना रहा है. तो नाउ आई एम गोइंग टू कम्प्लीट द रेस्ट ऑफ माई मेकअप ऑफ द फेस एंड आई विल बी बैक. सो या दिस इज द कम्प्लीट लुक एंड आई हैव कम्प्लीटेड माई मेकअप एंड यू कैन ऑलरेडी सी द डिफरेंस. मुझे जो है ये वाला साइड जो है थोड़ा सा वाइट लग रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस वन बिकॉज ये थोड़ा सा नेचुरल तो लग रहा है मुझे और ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पार्टी वगैरह में आप जाते हैं ना तो इट विल लुक गुड. और ओवरऑल मेकअप करने के बाद कहीं ना कहीं ये काम डाउन हो जाता है बट आई फील कि अगर एक परफेक्ट मैच मुझे देखना होगा तो आई विल डेफिनेटली गो विद टॉफी कैरमल एंड दिस शेड इज़ परफेक्ट फॉर मी. ऑल दो मेकअप करने के बाद इतना ज़्यादा फ़र्क कुछ पता नहीं चल रहा है, कोई देख के शायद ही कह पाए कि मैंने दो तरफ दो अलग अलग शेड्स को अप्लाई किया है. बट इन पर्टिकुलर आई फेल्ट कि ये वाला साइड जो है ये मुझे काफ़ी नेचुरल फिनिश दे रहा है एंड दिस वन इज़ अ लिटल बिट मोर ब्राइटर एंड वाइटर दैन दिस साइड. तो इसलिए मुझे अगर लेना हो तो आई थिंक आई विल गो विद टॉफी कैरमल. सो येस फ्रॉम माई साइड आई फील कि अगर आप मेरे स्किन टोन के हैं यानी डस्की स्किन टोन के हैं तो इन तीनों में टॉफी कैरमल इज़ परफेक्ट शेड फॉर मी एंड दिस 332 वाला जो गोल्डन कैरमल है ये भी मुझे चल जाएगा. ऑल दो कॉन्टोरिंग वगैरह सब आप करेंगे ही ये भी मुझे चल जाएगा बट परफेक्ट शेड जो है मैच का वो मेरा है 330. सो या आई वॉन्टेड टू क्लियर इट आउट
एंड समवन इज़ वेरी एंग्री बिकॉज मैं कंटिन्यूसली बहुत देर से उनको टॉर्चर करके रख रही हूँ. सो या दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड. मैं ये कंप्लीट करना चाहती थी वीडियो बिकॉज मैं कन्फ्यूजन मैं खुद भी मेरे अंदर भी था एंड मुझे पता है बहुत सारे मेरे व्यूअर्स को भी है. तो मैं ये डाउट क्लियर करना चाहती थी एंड मैंने डाउट क्लियर कर दिया आई होप. तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप लविंग. बाय बाय.